안녕하세요. There are so many ways to say and in Korean. So there are connectors like wa, gwa, and there is a connector hago, and then there is go, and then there is also kurigo. And all these connectors, all these words mean and or in Hindi. So what is the difference? It's a very confusing thing for many beginner level Korean language learners. So in this video, I'm going to clarify the difference between these and किसको कहाँ पर यूज़ करना है प्रॉपर तरीके से, वो हम इसमें देखेंगे वीडियो में. बिफोर स्टार्टिंग टूडेज वीडियो, आई वॉन्ट टू गिव यू एन अपडेट अबाउट आवर अपकमिंग बैचेज ऑफ लेवल 1 and 2. सो हमारे लेवल 1 और 2 के जो बैचेज थे वो अभी शुरू होने वाले थे इसी वीक में, बट ड्यू टू सम सिचुएशंस, ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस, वो हमने एक्सटेंड कर दिया है आगे 2 वीक के लिए. तो अब वो मार्च के लास्ट वीक में करेंगे, क्योंकि कई स्टूडेंट्स का मैसेज था कि उनके एग्ज़ाम चल रहे हैं तो मे बी वो पूरा नहीं दे पाएंगे टाइम, और कुछ हमारे इंस्ट्रक्टर्स के साथ में भी कुछ थी शेड्यूल की प्रॉब्लम. तो इन सभी रीजंस की वजह से हमने थोड़ा सा डिले कर दिया है उसको. तो अभी जिन्होंने रजिस्टर किया है वो थोड़ा सा वेट करें, आपको मेल पर भी अपडेट मिल जाएगी इसकी. और इसका रजिस्ट्रेशन डेट भी हमने कुछ दिन और बढ़ा दी है, तो अगर आप चाहते हैं ज्वाइन करना तो आप स्टिल यू कैन ज्वाइन. सो लिंक मैंने नीचे दे दिया डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक पर जा करके आप इन दोनों बैचेस की सारी डिटेल देख सकते हैं. लेवल 1 और लेवल 2 दो बैचेस अभी शुरू होंगे मार्च के लास्ट वीक में. ओके, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज लेसन. तो ये 4 यहाँ पे वर्ड आप देख रहे हैं, वा, ग्वा, हागो और खरीगो. सो सबसे पहले हम ये वा, ग्वा और हागो को देखते हैं. सो इन वा, ग्वा एंड हागो द यूज़ इज़ वेरी वेरी सिमिलर. दोनों का जो फंक्शन है इट्स वेरी वेरी सिमिलर. सो दोनों, ऑल दीज वा, ग्वा एंड हागो, दे आर यूज टू कनेक्ट टू नाउन्स. सो लेट्स से यू वांट टू कनेक्ट नाउन 1 and noun 2, देन यू कैन यूज़ वा, ग्वा और हागो. सो नाउन का मतलब कोई चीज़, एनी थिंग और एनी पर्सन, है ना. इफ यू आर कनेक्टिंग देम देन यू कैन यूज वा, ग्वा और हागो. सो द डिफरेंस बिटवीन वा एंड ग्वा इज जस्ट दैट इफ द वर्ड हैज़ अ पाचिम देन वी विल यूज ग्वा, इफ इट हैज़ नो पाचिम देन वा. सो फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वॉन्ट टू से कॉफी एंड ब्रेड, सो कॉफी इज, देर इज नो पाचिम इन कॉफी हियर इन द एंड, सो वी विल एड वा, कॉफी वा पांग, पांग इज ब्रेड. बट इसी वर्ड, इसी को अगर आप उल्टा लिखना चाहते हैं, आप यू वॉन्ट टू राइट पांग एंड कॉफी, सो इन दैट केस पांग हैज़ अ पाचिम, सो वी विल राइट ग्वा, पांग ग्वा कॉफी, राइट. दोनों एक ही बातें, पांग ग्वा कॉफी, कॉफी वा पांग. सो वा और ग्वा तो एक ही चीज़ें हैं, ओनली डिफरेंस है कि ये पाचिम है या नहीं एंड में, उसके बेस पे इनका यूज़ होता है. बट हागो का फंक्शन भी एग्जैक्टली सेम है, इट इज़ ऑल्सो यूज टू कनेक्ट टू नाउन्स. सो यू कैन ऑल्सो से कॉफी हागो पांग. द डिफरेंस इज कि हागो में आपको सोचना नहीं है कि पाचिम है या नहीं है, सब में हागो ही लगेगा. सो हागो इज मच ईजियर टू यूज, बोलने में ये ज़्यादा ईजियर है क्योंकि आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ता कि पाचिम है कि नहीं है. तो बोलने में सबसे ज़्यादा हागो यूज़ करते हैं, लिखने में ये थोड़ा ज़्यादा फॉर्मल है. इफ़ यू आर राइटिंग समथिंग, एन एसे और एनी पेपर और समथिंग, देन यू शुड प्रोबेबली यूज़ वा एंड ग्वा, नॉट हागो. बट इन स्पीकिंग हागो इज़ मच मोर ईजियर टू यूज़ एंड इट्स मच मोर कॉमन. सो कॉफी हागो पांग, पांग हागो कॉफी. तो ये तो हुआ आपका वा, ग्वा एंड हागो का यूज़. सिमिलरली दो लोगों को बात कर बताना है हमें कि राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, तो कैसे बोलेंगे, राम ग्वा श्याम या फिर राम हागो श्याम, दोनों चलेगा. सो वा, ग्वा, हागो दोनों का सेम फंक्शन है. तो ये तो हमारा क्लियर हो गया कि ये दोनों जो हैं इनका यूज़ होगा कहाँ पे, दो चीज़ों को या दो पीपल के बारे में को कनेक्ट करने के लिए. अब आते हैं गो पर. गो इज़ डिफरेंट. गो का जो यूज़ होता है वो होता है वर्ब्स को कनेक्ट करने के लिए. सो वर्ब 1 plus verb 2. वर्ब का मतलब यहाँ पे कोरियन में एडजेक्टिव को भी वर्ब की तरह यूज़ करते हैं, तो एडजेक्टिव या वर्ब दोनों. सो एडजेक्टिव को कनेक्ट कर रहे हैं या वर्ब को कनेक्ट कर रहे हैं, उन दोनों केसेस में इसका यूज़ होगा. तो बेसिकली ये एडजेक्टिव वर्ब की जगह आप ये भी कह सकते हैं कि सेंटेंसेस को, जब आप दो नाउन्स को नहीं, दो सेंटेंसेस को कनेक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम गो का यूज़ करते हैं.
अब एग्जांपल देखते हैं, जैसे आपको बोलना है कि गिव मी कॉफी एंड अ ब्रेड, सो कैसे बोलेंगे उसको? कॉफी वा पांग छूसेयो, राइट, छूसेयो। सो यहाँ पे मेन सेंटेंस तो हमारा एक ही है कि ये दीजिए, यहाँ पे बस हम दो चीज़ों को कनेक्ट कर रहे हैं वा के थ्रू। बट लेट से आपको बोलना है कि इंडिया इज बिग एंड कोरिया इज स्मॉल, तो उस केस में क्या हुआ? यहाँ पे इंडिया इज बिग ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, हियर कोरिया इज स्मॉल इज ऑल्सो अ कंप्लीट सेंटेंस, एंड हियर वी आर कनेक्टिंग दीज टू सेंटेंसेज इन टू वन इंस्टेड ऑफ राइटिंग देम एज टू डिफरेंट सेंटेंसेज, हम एक सेंटेंस में लिखना चाहते हैं उसको, तो यहाँ पर हमें गो का यूज़ करना पड़ेगा। कैसे वो देखते हैं। सो इंडिया इज बिग कैसे लिखेंगे? इंडो, इंडो का खो खोयो ऐसे लिखेंगे ना, खदा होता है, सो खोयो, और अलग अलग अगर लिखेंगे तो दोनों सेंटेंस को हंगुगन छागायो, हंगुगन छागायो, ये तो अलग अलग सेंटेंस होगा, लेकिन हमें अलग अलग नहीं लिखना है, हमें कनेक्ट करके लिखना है। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या कि ये खोयो जो है ना ये हटा देंगे, सिर्फ हम रूट इसका लेंगे, ख खदा होता है ना, तो ख ले लेंगे, दा हटा देंगे और यहाँ पे गो लगा देंगे, तो ख मतलब बिग और उसके साथ में ही हमने एंड लगा दिया, तो ये गो जो है ना अब कनेक्ट कर देगा इन दो सेंटेंस को, अब हमें फुल स्टॉप की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। सो वी कैन सिंपली से इंदो का ख गो हांगुगन छा गयो, ओके। और इंदो गा की जगह नन भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, गा ई गा नन कर सकते हैं चेंज अप। सो इंदो नन ख गो हांगुगन छा गयो। सो अगर आपको बोलना है कि ये एक पेन है और ये पेंसिल है, तो कैसे बोलेंगे? गॉसन पेन ई ए ओ ऐसे बोलते हैं ना, अगर आपको यहीं पेंट करना हो तो, लेकिन अब हमें कनेक्ट करना है तो ये ओ नहीं बोल के हम ई में ही गो लगा देंगे, ई गॉसन पेन ई को ख गॉसन यौन फिर ये यौन फिर मतलब पेंसिल, मतलब ये पेन है और ये पेंसिल है। तो यहाँ पे दो अलग अलग सेंटेंसेस को हम बेसिकली कनेक्ट कर रहे हैं गो के थ्रू, तो ये तो फंक्शन है गो का। अब खरी गो कहाँ यूज़ करेंगे? खरी गो का जो यूज़ होगा वो कभी भी बीच में नहीं होगा, ये कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे नहीं आएगा बीच में सेंटेंस के। खरी गो विल ऑलवेज कम इन द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस। तो जैसे आपने कुछ कहा ए बी सी डी, कोई भी बात कही आपने, और उसके फुल स्टॉप यहाँ आ गया, सेंटेंस इज ओवर। अब यू वॉन्ट टू से द सेकेंड सेंटेंस, और वहाँ पर आपको बोलना है कि साथ में एंड ये भी, सो द सेकेंड सेंटेंस इज स्टार्टिंग विद एंड, तो उस केस में वी विल नॉट यूज़ वा ग्वा और हागो और गो, बिकॉज वा ग्वा हागो गो दीज आर ऑल कनेक्टर्स, सो ये हमेशा सेंटेंस के मिड में आएंगे, ये सेंटेंस कभी शुरू नहीं होगा वा ग्वा हागो और गो से, बट खरीगो से सेंटेंस शुरू हो सकता है। तो यहाँ पे जैसे इन दोनों सेंटेंस को ही लेते हैं, यहाँ पे हमने बोला कि इंडिया इज़ बिग एंड कोरिया इज स्मॉल, अगर इसको हमें दो सेंटेंस में बोलना हो सो हम कैसे बोलेंगे? इंदो नन खोयो, ओके एंड फुल स्टॉप, एंड देन से खरीगो हांगुगन छा गया। सो खरीगो यहाँ पे आएगा एग्जैक्टली सेंटेंस के शुरू में। यहाँ पे इस सेंटेंस में क्या होगा? इगोसन फेनी आयो खरीगो खगोसन नॉन फेनी आयो। सो खरीगो एंड है बट वो सेंटेंस के बीच में नहीं, बल्कि एक सेंटेंस फिनिश होके फिर सेकेंड सेंटेंस को स्टार्ट में आएगा और दोनों को कनेक्ट करेगा वो। सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज फोर एक्सप्रेशंस। टू जस्ट समराइज इट अगेन, वागवा दिस इज द सेम थिंग बेसिकली, वागवा नाउन के साथ में यूज होगा, नाउन प्लस नाउन, जहाँ पर फाचिम होगा वहाँ पर ग्वा लगेगा, नहीं होगा फाचिम तो वा लगेगा। हागो का एग्जैक्ट सेम फंक्शन है वागवा के जैसा ही, बट द ओनली डिफरेंस इज कि हागो में आपको फाचिम नहीं देखना है, सब जगह आप हागो लगा सकते हैं दो नाउन के बीच में, और उसमें बोलने में ज़्यादा यूज़ होता है ये थोड़ा सा फॉर्मल है। गो विल बी यूज टू कनेक्ट टू वर्ब्स और टू सेंटेंसेस। तो जैसे आपको बोलना है कि मैं किताब पढ़ता हूँ और मूवी देखता हूँ, तो वहाँ पर भी आप लगा सकते हैं कि किताब पढ़ना एक वर्ब एक्शन है और दूसरा मूवी देखना वो दो अलग एक्शन है, तो दो वर्ब्स को कनेक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पर बोलेंगे छोनन छैगल इल्को
इल गोयो नहीं बोलेंगे हम, इल्क वहीं पे कट कट देंगे और गो लगा देंगे। इल्को योंगवारल थायो मतलब मैं किताब पढ़ता हूँ और मूवी देखता हूँ। ठीक है, तो गो विल बी यूज टू कनेक्ट वर्ब्स को, और खरीगो विल कनेक्ट टू सेंटेंसेस, है ना। सेंटेंस वन विल बी फिनिश्ड एंड देन खरीगो, सेंटेंस टू विल स्टार्ट विद खरीगो। सो आई होप आई वॉज एक्सप्लेन एबल टू एक्सप्लेन दिस। आपको अभी भी कन्फ्यूजन कुछ हो इसमें तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स एंड आई विल ट्राई टू क्लेरिफाई दैट। सो थैंक यू।